प्यारा रमजान में एक बार फिर खुशामदीद और अब हम आ गए हैं गेट सेट कुक बाय डॉलिंस के किचन में, जो कि हमारे लिए खाना बनता है जहां बाय वन एंड ओनली शेफ अरूज। थैंक यू बहुत खाना बनता है जबरदस्त। लोग बहुत सारे मैसेजेस करते हैं, तारीफी मैसेजेस करते हैं, व्हिच इज सो इंपॉर्टेंट। थैंक यू भाई। वरना अगर कभी कोई शेफ हो ना जो अच्छा खाना नहीं बना रही समझ गया, तो लोग लिखते हैं कि भाई हमें इन शेफ के खाने नहीं पसंद आ रहे, लोग कह रहे हैं कि हमें इतनी प्यारी आप लोगों की बातें लगती है। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। आज बाय द वे हम लोगों का जो दिन है वो बेसिकली यू नो आप सैटरडे है, वीकेंड है, पूरे 10 फेवरेट डे है, ये मेरा फेवरेट डे है। तो फैमिली आती है, फ्रेंड्स आते हैं, यू गाइस गेट टुगेदर, यू सिट, तो स्नैक्स होने चाहिए। तो मैं सैटरडेज को स्नैक्स बनाती हूं। पिछली दफा वाले जो स्नैक्स थे नाचोस थे, आई रिमेम्बर, ओहो हम टूट पड़े थे नाचोस पे। नाचोस थे, टॉपर्स थे लेकिन हम नाचोस पे मुकम्मल टूट पड़े थे। अरे ओके, आवाज आ जाती है कोई कभी बात, कभी ये एक मशीन है, उसकी आवाज आ जाती है, आवाज आ जाती है, हो जाता है कभी कभी। बिल्कुल सही हो गया, जबरदस्त। क्या नाम है तुम्हारा? नौजवान नाम बताओ। वो कह रहे पागलो शाहजेब भाई। ये शाहजेब खान ज्यादा नहीं है क्योंकि वो तो होता है कैमरे के आगे, लेकिन ये है शाहजेब कैमरे के होते हैं कैमरे के पीछे। दिखाओ इसको, शाहजेब को कैमरे में दिखाओ यार, इसके घर वाले देख रहे होंगे। शाहजेब ने कोई भी मसला हो ये फौरन हल कर देते हैं। ये सिर्फ कैमरामैन नहीं है, ये हमारी टीम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और ये मेरे साथ हर रमजान में होता है। शाहजेब के लिए तालियां। चल पुत्र उन सही काम कर। अच्छा जी आज बन रहे हैं स्नैक्स क्योंकि हैं, तो आज हम लोगों के पास एक बड़ी जबरदस्त किस्म की नौर की रेसिपी है। नौर की जानिब से है ये स्पाइसी कोरियन विंग्स। ये आई लव देम सुपर डुपर। बताइए कहां के हैं जो आप बना रहे हैं स्पाइसी कोरियन विंग्स? आपके रेस्टोरेंट यार, वो एक सालसा उसके साथ भी बनते हैं ना, वो भी बना दें यार, वो भी बहुत पसंद है। वो भी बनाए, सालसा का मसाला कैसे बनता है बस वो बताओ, बस डन है। बाकी हम कर लेंगे घर में खुद, टेंशन नॉट। हम घर में दो रेसिपीज बना रहे हैं, एक विंग्स बना रहे हैं, एक हम डिजर्ट बोर्ड बना रहे हैं। डिजर्ट बोर्ड देखो उसको कहते हैं शार्कूटरी बोर्ड। शार्कूटरी बोर्ड इज एनी बोर्ड जिसमें बहुत सारी चीजें आपने डाली हो, कभी कोई लोग चीज डालते हैं, हमस डालते हैं, यू नो वो खूबसूरत समझ नहीं आता उसमें कैसे क्या क्या खाएं, लेकिन वो अच्छा बहुत लगता है ना। दावतों में पड़ा होता है वो, ऐसे आजकल ना बहुत कूल कराची वाले हो गए तो वो दावतों में पड़े होते हैं, उसमें समझ नहीं आता कि इसको कैसे खाएं। अच्छा मैं इस रेसिपी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यूज कर रही हूँ, ये है मेरे पास नॉर की चिकन क्यूब। इसके अंदर मैं मैरिनेट करूंगी चिकन विंग्स जो कि स्किन ऑन है, ठीक है, और हमने इनको करना है डीप फ्राई। तो इसके अंदर मैरिनेशन के लिए आप इसको थोड़ा सा हल्का सा ग्रेट कर लें या हाथ से, ऐसे यू नो हाथ से भी हो जाता है। ये अच्छा तरीका है, इजी, सही है। और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन। बिल्कुल सही है, सही बोला, शुक्र है, मुझे एहसन खान याद आ गए। और यहाँ पे है मेरे पास सोया सॉस, ठीक है, ये थोड़ी सी डालेंगे और इसके अंदर थोड़ी सी हॉट सॉस इस पॉइंट पर यहाँ पर डालूंगी और बाकी की मैं रिजर्व करूंगी सॉस बनाने के लिए। सही है, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली स्पाइसी नहीं होंगे बट एक वो स्पाइसी भी होंगे। आप मुझे जानती हैं। हाँ नहीं, ये तो हर चीज इस बाजी की हर चीज बहुत स्पाइसी है भाई, बहुत स्पाइसी होती। कल वाला भी जो चिकन बनाया था वो बहुत स्पाइसी था, बहुत स्पाइसी था, बट अच्छा था। अच्छा, आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि नौर का जो चिकन क्यूब है ये 70 रुपए में दस्तयाब है। और अगर आप इसका पलाव का भी क्यूब आता है बाय द वे नौर के जानिब से, तो अगर आपको घर पे पलाव की चीटिंग करनी है तो नौर का क्यूब ले आए, जिंदगी आसान करें। बहुत जिंदगी आसान है भाई, चिकन कम हो तो आप ये ऐड कर लें और वो लोगों को लगता है बहुत चिकन, असली चिकन का जायका है और असली चिकन से बनता है। तो आप इतना महंगा चल रहा है चिकन, आप किसी भी चीज में डालें, दाल में डालें, सब्जी में डालें, बहुत सारे यूजेस हैं। प्लस नौर की बहुत मजेदार किस्म की ये सॉसेस भी यहाँ पे मौजूद हैं जो मैं यूज करूंगी आज। टोमेटो केचप है, ग्रीन चटनी है, गार्लिक है, बारबेक्यू है, चिली गार्लिक है। और आज मैं यूज करूंगी सॉस बनाने के लिए बारबेक्यू सॉस नौर की और चिली गार्लिक सॉस जबरदस्त इस्तेमाल करूंगी। तो बहुत इजी है, सुपर इजी रेसिपी। अच्छा इसको हमने अभी सेट असाइड कर देते हैं, इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ कोट करना है। बाय द वे कॉर्न फ्लावर है, अभी से ही डाल देती हूं, ओके ना, वो एक एक निकाल के डीप फ्राई होगा ऐसे ही, सही है, सिर्फ कॉर्नफ्लावर और कुछ कॉर्नफ्लावर और बस कुछ भी नहीं है और इसको हमने डीप फ्राई कर लेना है, ठीक है। तेल गरम हो जाए तो साथ ही साथ हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली रेसिपी की जाने, ठीक है। ये आपको वापस चाहिए था, इसके अंदर कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान रेसिपी है, वो भी कर लेते हैं, है ना, टुगेदर। ये आसान आपके लिए, आपको आती है बनानी, हमारे घर में अगर कोई पहली दफा सीख रहा है तो उसके लिए तो आसान नहीं होगा। ये डबल बॉयलर हमने बनाया,
अब तो तुम भी सीख गई। डबल बॉयलर बनाना बहुत आसान है, खाना बनाना आसान नहीं है लेकिन। डबल बॉयलर बना के इसके अंदर आपने चॉकलेट डाली, कुकिंग चॉकलेट बाय द वे बहुत आराम से दस्तयाब होती है ग्रोसरी स्टोर में। इसको पिघलाएंगे, पिघला के हम डालेंगे इसको इसके ऊपर। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाना चाहती हूँ जी, दिखाइए। आप रंग बिरंगे फ्रूट्स, कुकीज, डिफरेंट डिफरेंट चीजें ले आए और उनको आपने सारे बिस्किट्स आप पहचान गए होंगे लेकिन हम इनका नाम नहीं ले सकते। इन्होंने हमें पैसे नहीं दिए। अच्छा, लाइफ बॉय साबुन से बाय द वे, क्योंकि मेरे हाथ थोड़े से अभी मक्की हैं और मैंने सेवरी खाना बनाया है। सो लाइफ बॉय हैंड वॉश जो है ये 100% साबुन के मुकाबले में ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है जरासीम से, और सिर्फ 10 सेकेंड में 99.9% जर्म्स का करता है खात्मा। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि यहाँ पर कभी भी आप किचन में कभी भी हाथ धोए बगैर तो जाहिर है खाना बनाना शुरू कर ही नहीं सकते। हैंडल किया ना, तो आपके हाथ में जरासीम होंगे, आप कुकिंग करेंगे तो आपके घर वालों तक सेहत वाला खाना नहीं पहुँचेगा। तो ये तो अपनी ज़िंदगी का एक पक्का रूल बना लें कि आप, और मैं तो खैर वो वाली कुक हूँ जो बहुत दफा हाथ धोती हूँ और बहुत दफा उसको हाथ को ड्राई करके और फिर खाने के, फिर मतलब आपके हर अंडा तोड़ के, लेट्स से कि अगर मैं हाफ फ्राइड एग्स बना रही हूँ घर में 5-6, तो मैं हर अंडा तोड़ के हाथ साफ करती हूँ, फिर दूसरा अंडा तोड़ के हाथ साफ करती हूँ। तो ये भी कुछ लोगों के मसाइल होते हैं, मेरे हैं ये वाले मसाइल। सही है भाई, अच्छे मसाइल, दिस इज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव बाय। आल्सो मैं चम्मच के साथ मसाले नहीं डाल सकती, तो मैं ये करके मसाले डालती हूँ, तो फिर ज्यादा हाथ साफ करने पड़ते हैं। डबल ट्रिपल। ओके, ये जल्दी जल्दी वो होगा बेसिकली, जब तक जैसे चॉकलेट मेल्ट होती है हम उसको यहाँ रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आ जाएगा ये प्याला तो नहीं मेरा टूटा? नहीं बिल्कुल नहीं, उसको ऑफ कर देते हैं तैयारी भी करें। हम इंग्रेडिएंट्स भी पूछेंगे, हमारे यहाँ जितने भी बर्तन शेफ फरूज गंदे करती हैं हमें कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि हमें पता है झटपट बर्तन धुल जाएंगे लेमन मैक्स से। पाकिस्तान का नंबर 1 डिश वॉशिंग बार है, कम घुलता है तभी तो ज्यादा चलता है, और 1000 लीमो की इसमें है तूफानी ताकत। क्या बात है, सबक आपने सही याद किया। बिल्कुल नहीं भाई, ये तो लेमन मैक्स हो गया तो उसका तो हमें याद ही है, हमारे पार्टनर्स हैं, देख के बचपन से हमें याद आ गया, और हमें यकीन भी है, भरोसा भी है इस ब्रांड पे, हम घर में भी यूज करते हैं, तो व्हाई नॉट। अच्छा, ये चॉकलेट मेल्ट हो गई है, यहाँ पर जल्दी से इसकी सॉस को आगे बढ़ाते हैं। सो गार्लिक के जरा साइड पे करना। ओके, थैंक यू। इसमें डालेंगे लहसुन। अच्छा, ये वाली सॉस आप बनाना चाहती हैं? आप बताएं जी। बिल्कुल, चले आप आ जाएं, फिर मैं इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ, मेरे लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मुझे हमेशा हेल्प करती हैं बाय द वे, आजकल मेरी सू शेफ जिंजर सुघर लड़की। अच्छा, तो ये सू शेफ कहते हैं जो हेल्प कर रहे होते हैं आपके? बिल्कुल, मैं सू शेफ हैं आप, ठीक है। अच्छा, तो लहसुन और अदरक थोड़ा सा, इसका स्मेल अच्छी आने लगी है। बिल्कुल आ गई है, आ गई है। तो इसमें हम डालेंगे ब्राउन शुगर है, ओए होए जबरदस्त, और इसके अंदर हम डालेंगे अपनी बाकी की रिजर्व्ड हॉट सॉस जो बच गई थी। आधी जो है हमने चिकन में ऐड की है और बाकी बचा के हम उसके सॉस में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसको ये करेंगी वुश। यहाँ पर है मेरे पास नॉर का चिली गार्लिक सॉस, जिसको मैं खोलूंगी। खुल जा सिमसिम, थोड़ा पानी डाल सकते हैं, डाल दें। जबरदस्त, वैसे इसकी कंसिस्टेंसी थिक चाहिए, हमें थिक चाहिए। हम चाहते हैं कि ये कोट करे विंग्स को बहुत अच्छे तरीके से। ये है जी नॉर का चिली गार्लिक सॉस, ऐसे ही है, और क्योंकि पाकिस्तानी अम्मियों को हर रेसिपी में ऐड करना होता है, और ये भाई रमजान के अंदर इतना इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हर पकौड़े के साथ, मैं तो यही खाती हूँ। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप टीम केचप है, टीम चिली गार्लिक सॉस? चिली गार्लिक सब बताएंगे मुझे, और जब कॉल भी आएगी तो मैं पूछूंगी, आर यू टीम केचप और आर यू टीम चिली गार्लिक सॉस? ठीक है, टीम चिली गार्लिक। बारबेक्यू सॉस डाल रहे हैं नॉर की, कॉल ले लेंगे वैसे, अगर हम अभी टाइम बीच में बच जाता है रेसिपी के, एक कॉल ले सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं सॉल्ट नहीं डाल रही, बिकॉज़ आई फील लाइक द सॉस हैज एनफ सॉल्ट। हां, वो चिली गार्लिक में और केचप में सब में सॉल्ट, थोड़ा सा ग्रीन अनियन एंड रिजर्विंग जस्ट अ लिटिल बिट फॉर द गार्निश। चिली फ्लेक डालूं? हां या ना, तुम लोग बोलते हो मिर्चे बहुत डालो, थोड़ा सा डाल दें यार, आधा चम्मच, हाफ टी स्पून इतना? हां बहुत है, ये राबिया ने हमने डलवाया। सही है, सही है, ब्लेम मेरे ऊपर, मैंने तो और वैसे अफतारी के विद इन 30 सेकंड्स भाग जाना है भाई, क्योंकि मेरी बेटी का रोजा है। कांग्रेचुलेशंस बाय द वे, अल्लाह करे जब तक मैं पहुंचू पूरा रख चुकी हो,
कहती मामा थोड़ा सा बॉटल में पानी पी सकती हूँ, मैंने कहा नहीं मार्शमेलो खा सकता कुछ भी नहीं। हो गया डन, हम इसको साइड पे रिजर्व कर लेंगे। चिकन विंग्स को डीप फ्राई करके इसमें हम लोग ठीक है, वो जब हम डिश आउट के लिए आएंगे तो हम पूछेंगे कि कैसे हुआ, तब तक इसको हम रिजर्व कर लेते हैं, हम लोग साइड पे रखते हैं। ओके, वापस बढ़ते हैं अपने शार्कूटरी बोर्ड की जानिब। यहाँ पर चॉकलेट जो है वो पिघल गई है। बोर्ड की सेटिंग आप करेंगे या मैं? अच्छा, ये भी ऑलरेडी पिघली हुई चॉकलेट है? नहीं, ये अलग है, चॉकलेट स्प्रेड है। अच्छा, ये चॉकलेट स्प्रेड, ठीक है। इरम है हमारे साथ लाहौर से, कॉलर। अस्सलाम वालेकुम इरम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम राबिया आपकी, मुझे आपसे बात कर रही है। जी मैं आपकी बात सुन रही हूं। मुझे आपकी हेल्प बहुत जरूरी चाहिए, मेरे दोनों गुर्दे हैं जो खत्म हो चुके हैं और उनका भी बहुत ज्यादा मसला है, बीपी का भी मसला है, ठीक है, शुगर का भी, तो मुझे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प चाहिए। मैं कितने साल की हो आप? हेलो, आप कितने साल की हो? ये 21 साल की है, 21 साल स्टार्ट हुआ अभी से। 21 साल में इतनी सारी बीमारियां, आपने डॉक्टर को चेक करवाया है? डॉक्टर को चेक करवाया, वो ना ट्रांसप्लांट का कहते हैं, तो हमें गुर्दे के लिए जो है ना वो डोनर चाहिए, जरूरत है डोनर चाहिए आपको। आपने SIUT में बात की है? नहीं, उसमें तो अभी बात नहीं। आप SIUT से रब्ता करें फौरन, सबसे पहले SIUT बेहतरीन वो हॉस्पिटल है जो कि बगैर एक रुपया भी चार्ज किए, SIUT में कोई काउंटर ही नहीं है पैसों का। आप वहाँ जाएं, वहाँ पर बात करें, देखें उसका कोई हल निकलता है। अगर नहीं निकलता है तो फिर आप मुझे मैसेज करें इंस्टाग्राम पे, तो फिर इसका कोई हल निकालते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बेटा SIUT में रब्ता करो, कोई भी अगर जानने वाला कराची में है उसे कहो SIUT जाके बात करें, अपनी सारी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाओ। और वो ऐसे ख़ास तौर पर यंगस्टर्स को वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं कि उनकी ज़िंदगी बचानी ज़रूरी है। तो मेरी जान मेरा बच्चा, सबसे पहले जो है ना कोशिश करो कि आप SIUT रब्ता करो, और अल्लाह जज़ाए खैर दे SIUT वालों को कि वो जितना बेहतरीन इस वक्त काम कर रहे हैं। अच्छा, साथ साथ में यहाँ पर मार्शमेलोज जो हैं, ओहो बहुत सैटिस्फाइंग है। अच्छा यार, ये मुझे चाहिए भी, बहुत सुपर सैटिस्फाइंग है ये। तो वो उस पे ना कभी आप बॉनफायर करें तो उस पे आप ये करके खाएं, लेकिन बॉनफायर पे मुझसे नहीं होता, मेरे तो हाथ जलना शुरू हो जाता है। कितना करना है इसको? थोड़ा मतलब पिघलाएं, कलर दें। ओके, यहाँ पर है मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के कुकीज, मैं वो अरेंज कर रही हूँ। इस पे मैं फ्रूट अरेंज करूंगी। कितना आसान है, अपने गेस्ट के सामने आपने रख दिया, कोई ना कोई कुछ ना कुछ चुगता, वो चुगने वाला चुगना, हाँ। चुगना जो है ना, मंचिंग होती रही, मंचिंग होती रही। मैंने जला दिया, मुझे लग रहा है थोड़े से। नहीं, साइड से भी करने? आपने ब्रुले किए, बिल्कुल बहुत अच्छे ब्रुले किए। देखिए आप इंग्लिश के वर्ड यूज करें तो एक्सपेंसिव हो जाएगा आपका आइटम। एनु साड़ दो, मार्शमेलो रख के तो एनु साड़ दो आग नाल। ये है एक्चुअली पाकिस्तानियों का, इस तरह से हम बात करेंगे। हम क्यों ब्रुले बोले भाई, शेफ्स की लैंग्वेज है कि नहीं? मेरे पास बहुत सारे एक्चुअली सड़ा दिया, ये वाला जल गया डोलन्स के रेफ्रिजरेटर में। क्या मैं ग्रेप्स डालना शुरू करें आप? जी जी बिल्कुल, ग्रेप्स डालें। अच्छा, मतलब कोई भी चीज आपकी मर्जी, स्ट्रॉबेरीज रख दें, ग्रेप्स रख दें, गो फॉर इट। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो ग्रेप को कट करके रखें, अगर आपके घर में छोटे बच्चे नहीं है तो फिर आप पूरा ग्रेप्स रख सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारी डेथ्स होती हैं बच्चों की अंगूर का दाना फंस जाने से, चोकिंग से। तो ब्लूबेरीज, अंगूर, अनार, आलमंड्स या जितने नट्स होते हैं वो आप अपने बच्चों को हमेशा तोड़ के दें। ये मैं वो टिप्स दे रही हूँ ख्वातीन को जो अक्सर उनको नहीं मिलती हैं। तो आप घर में अगर अंगूर हैं, बच्चों को लोग ना ऐसी अंगूर पकड़ा देते हैं कि ये तो सॉफ्ट सा फ्रूट है, लेकिन बच्चों को चोक हो जाता है और बहुत सारे बच्चों के लिए ये डेंजरस है, तो हमेशा कट इट। अच्छा, इसके अंदर मैं रखूँगी थोड़ा सा कटा वाटरमेलन, ठीक है। आहा, ये चॉकलेट भी रख दें इसके अंदर? जी हाँ। ओके, सो सिर्फ आइडिया देने के लिए आपको, आप कुछ भी कर सकते हो अपने घर पे। जबरदस्त, कहाँ पे डालें इसको? बिस्किट्स को साइड पे करके यहाँ रखते हैं। तो आपने इसको भाई बच्चों के साथ इतनी अच्छी एक्टिविटी है, बच्चों को बताएं कि जी इसको इस तरह रखें, यूं सेट करें, बच्चों को बताएं कि इस तरह सेटिंग होगी, उनकी भी एक्टिविटी हो जाएगी, कुछ ना कुछ करने को मिल जाएगा और आपके लिए बेहतरीन सा तैयार हो जाएगा। ये तो आज मैंने ले जाना है घर पूरा, ये उठा के, है ना? प्लीज ले जाओ, सीरियसली टेक इट होम। जबरदस्त। अच्छा, आई लाइक टू ईट दीज लाइक दैट। ओके, सही है। एंड आई थिंक मोस्ट किड्स एंड मोस्ट पीपल आल्सो लाइक टू ईट इट। ऐसा ही, आप वो पूरा काट कूट के ना रखें, बस आप बीज निकालें और रखें। जबरदस्त,
बीज बाय द वे निकालने का आसान तरीका चम्मच से। बेहतरीन भाई, एक बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही है, वो ये कि आप थोड़ा सा मिडिल ईस्टर्न फूड भी बनाना किसी दिन सिखा दें। शवरमा बनाना सिखाओ। शवरमा भी, और वो कह रहे हैं हम्मस सिखा दें घर में इजीली कैसे। चलो अगली दफा एक काम करते हैं कि शार्कुटरी बोर्ड जो बनाएंगे ना अगले सैटरडे, हाँ, तो वो बनाते हैं हम लोग उसका हम्मस, पीटा ब्रेड, शवरमा, चिकन, बीफ, एनिमल फ्राइज। हमें सबसे ज्यादा टीम को खौफ है कि बजट कुकिंग में हमें क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा ये खौफ। हमें रोटी वाले चाउमीन तो नहीं मिलेंगे? आपको मिलेंगे भाई, वो खतरनाक अम्मी नहीं होती घर पे जो रोज ही आलू के साथ बना के मिला के कुछ बना देती है, तो रोज भी ना बजट कुकिंग वाले दिन वही बन जाती है। बेटा कल बना था आलू गोश्त, आज मैंने उसी में जो आलू बच गए थे उसके साथ मटर ऐड करके बना दिया आलू मटर। कल बेटा क्योंकि ये वीक ही पूरा बजट का है तो मैंने कर देना आलू मेथी, उसके बाद जी सिर्फ आलू, खाली आलू। भाई महंगा हो गया सब कुछ, इतना अच्छा लग रहा है, क्या करो। वेरी नाइस। अच्छा और आइडियाज दें जो चीजें भी यहाँ ना हो लेकिन हम उसमें ऐड कर सकते। आप इसके अंदर पॉपकॉर्न रख सकते हैं, कैरेमलाइज करके, ठीक है। आप इसके अंदर बहुत कुछ डाल सकते हैं, पॉपकॉर्न डालें, पॉपकॉर्न को कैरेमलाइज करने की जो सॉस है वो शदीद आसान होती है। ब्राउन शुगर बटर को मेल्ट करें, उसमें थोड़ा सा सिनेमन डालें और फिर वो जब वो पिघल जाए, सॉफ्ट हो जाए, तो फिर उसके अंदर पॉपकॉर्न को टॉस कर दें। ये आप हमें यहाँ से खा सकती हैं लाइव? ऑफ कोर्स। पॉपकॉर्न कैरेमलाइज बनाना जो कि फिल्म के जो सिनेमाज होते हैं वहाँ इतने महंगे मिलते हैं, हम सीखेंगे शेफ अरूज से किसी एक दिन। डन है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शेफ फरूज, आपने इतनी बेहतरीन हमें रेसिपी दिखाई। हम थोड़ी देर में आपके पास आएंगे डिश आउट पर। ये लुक आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये एक स्नैक बोर्ड बन गया है जिसमें आप जो है बैठें और टीवी देखें और खाते रहें आफ्टर अफ्तार, आफ्टर तरावी। प्लस आपके पास गेस्ट आए, आई थिंक यू नो स्नैक बोर्ड करें टू सर्व, क्योंकि एक्चुअली आपको सस्ता पड़ता है और सब कुछ है आपके पास और लोग कहेंगे वाओ या तो बड़े फैंसी लोग ने, इतने फैंसी लोग हैं और सस्ता भी पड़ता है। ऐसी अच्छी चीजें आपको सिखाएंगे। चॉकलेट मेरे हाथ पे लगा दिए शेफ अरूज ने, एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बच्चा बाड़ी के पास जाएंगे। बच्चा बाड़ी इज हेयर विद अस, गप्पे मार रहे हैं सारे, अपनी बाबर अंकल, सैफ अंकल सारे अपनी बातें कर रहे हैं। मेहमान आने वाली हैं जो मैंने कहा पाकिस्तान की सबसे फेवरेट सेलिब्रिटी हैं। आप मुझे बताएं आपकी सबसे फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है, आप मुझे यकीन है उन्हीं का नाम लेंगे और फिर मैं आपको उनसे एक ब्रेक के बाद मिलवाऊंगी। तो छोटा सा ब्रेक, चुन्ना मुन्ना सा इन प्यारा रमजान।